तहत सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र के स्याना रोड पर जेसीबी मशीन की मदद से सीवर गड्ढे की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान वहां काम कर रहे दो मजदूरों के ऊपर मिट्टी का जो डांग थी वो गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक है। हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं हादसे से प्रशासन में हड़कंप मच गया और प्रारंभिक जांच में निर्माणाधीन साइट पर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम न होने की बात भी सामने आ रही है। घटना में यह हुआ था कि सुबह जब काम शुरू करते हैं तो हम सोरिंग बॉक्स के लिए जगह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जगह बनी थी, उसने अपना सेफ्टी सब सामान पहना था अभी, तो फिर डीजल का टैंकर आया तो सब गाड़ियों में सब में डीजल डल रहा था। उसी टाइम उसका कुछ पावड़ा कुछ गिरा था अंदर। अच्छा। तो लेने के लिए गए थे। हाँ। तो दोनों साथ ही निकले ऊपर अंदर जाने के लिए। हाँ। और जैसे अभी बाहर आ रहे थे तो मिट्टी फिसल गई पूरी। तीन नहीं दो मजदूर थे ये स्याना बस अड्डे के पास एक निर्माणाधीन नाले का प्रकरण है जिसमें सॉयल कोलैप्स मिट्टी गिरने के कारण और उसमें दबे होने के कारण दो लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे जिसमें से एक व्यक्ति जिला अस्पताल लाने पर ब्रॉड डेड और उसको जिला अस्पताल की टीम के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा बिल्कुल ठीक है, उसका इलाज जारी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए जल्द।